गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं इस ज्योग्राफी और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ज्योग्राफी सेक्शन भी। और गैस यहाँ पे हम बात करें ज्योग्राफी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा गैस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इनको दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक तो कवर करने वाले हैं गैस इंडियन ज्योग्राफी और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटरनेशनल ज्योग्राफी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी PCS एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो स्टेट का भी ज्योग्राफी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, फिर इंटरनेशनल ज्योग्राफी पे हम खत्म फिर इंटरनेशनल ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गाइस आगे की ओर और क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, और यहाँ पे हम एक एक करके इंडिया के सारा पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का नदी, जनजाति, झील, तालाब, और एवं गाइस मैं बात करूँ थोड़ा सा जो सेंटर वाले एरिया है दीप, तो A to Z पार्ट यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं गैस आगे की ओर, और आज का जो है पहला क्लास आप लोग का ज्योग्राफी का है। और यहाँ पे गैस इनका मैं सिलेबस मेंशन किया हूँ। पहला आज का जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट, मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सामान्य परिचय। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे आज जो गैस मैं बताऊँ कि अभी तो मैं आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी कवर करने वाला हूँ जिसमें मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कवर करेंगे, और शाम में गैस हम बिहार का ज्योग्राफी लाने वाले हैं, तो दोनों एक साथ ही चलने वाला है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम देख लें कुछ यहाँ पे इंडिया का मैप है, और एक एक करके यहाँ पे हम सब कुछ देखने वाले हैं। थोड़ा सा गाइस अगर इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट तक अगर आना है तो अगर इसकी लंबाई कितना है गाइस 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से मैं बात करूँ गाइस अगर इस पॉइंट पे जाना है, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं और इसको ईस्ट बोलते हैं। वेस्ट मतलब होता है पश्चिमी और इसका मतलब होता है पूर्व। ठीक है, तो 3933 किलोमीटर। हाल ही का ये बात आगे भी मेंशन है, हम यहाँ आगे भी देखते हैं। और गाइस ये है कुछ वर्ल्ड मैप और इनके जरिए। और हाँ, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक मैप या एटलस ज़रूर ले मार्केट में, और अगर आप एटलस नहीं ले पा रहे हैं तो मैप ज़रूर रखें। ठीक है, तो देखते हैं गैस क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्योग्राफी में लिखा बहुत कुछ होता है, बट यहाँ पे हम जो भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा भारतीय एशिया महाद्वीप में जो अवस्थित है एक दक्षिण एशिया का देश है। इनके कहने के मतलब है कि गैस जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में अब ऑलरेडी काफ़ी सारा कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, तो ये कहाँ पे गैस एशिया में है। इंडिया पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन कि भारत एशिया के किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो आपके ऑप्शन होगा दक्षिण एशिया वाले में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा भी जाता है। अनियमित चतुर्कोणीय आकृति वाला यह देश महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनियमित है, मतलब कुछ एक तरीका से रेक्टेंगल नहीं है। नाउ आगे हम यहाँ पे देखे गए और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्षांशीय, अक्षांशीय इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को बोलते हैं। दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर, देशांतर इस वाले पॉइंट को बोलते हैं। ये जितना भी मैं बात कर रहा हूँ ये सारा हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देशांतर विस्तार के दृष्टि से देखें पूर्वी गोलार्ध में बेसिकली स्थित है। और यहाँ पे इसका कहने के मतलब ये है गाइस, जो अक्षांशीय ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है। इक्वेटर का काम क्या होता है कि दो पार्ट में बांटना, जो भी पृथ्वी है ने दो पार्ट में कवर किया है, जैसे कि आप एक पार्ट ये मान सकते हैं और एक पार्ट ये मान सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अगर मैं बात करूँ जो भारत है वो कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है, अगर अक्षांशीय ऑलरेडी यह देख सकते हैं अक्षांशीय रेखा इसको बोलते हैं, और उत्तर वाले भाग में स्थित है, इसे उत्तर और इसे दक्षिण बोलते हैं उत्तर वाले भाग में, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। और देशांतर का बात करें ये वाला लाइन को देशांतर बोलते हैं, और देशांतर किस में, तो पूर्वी वाले भाग में स्थित है, तो पूर्वी वाले भाग में स्थित है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ आगे यहाँ पे हम बात करेंगे भारत विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ऑलरेडी हम ये चीज़ देख ही लिए थे। नौ आगे पॉइंट को हम बात करें कि भारत विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवें स्थान पे है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो आपके ऑप्शन होंगे सातवां, तो टिक लगा सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हो भारत को सातवां नंबर पर रखा गया है, मतलब भारत से भी बड़ा बड़ा देश है। अब भारत से बड़ा बड़ा देश कौन सा है गाइस, यहाँ पे बात करें तो रूस बहुत ही बड़ा देश माना जाता है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा देश है भारत से सबसे बड़ा, इसके बाद भारत का नंबर आता है सातवां स्थान। ठीक है,
यही मैं बात करूँ कि जनसंख्या के दृष्टि से मैं बात करूँ तो भारत पहले स्थान पे है और चीन भारत दूसरे स्थान पे है और चीन पहले स्थान पे है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे और चीन यहाँ पे बात करें चीन के बाद, मतलब चीन पहले स्थान पे बड़ा देश है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पे है वर्ल्ड में या विश्व में, तो आपके ऑप्शन में होगा सेकेंड स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। काफ़ी सारे बच्चे को केंद्र शासित जो प्रदेश है इनको यही जानकारी नहीं होता है, तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी में सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। नौ यहाँ पे देखिए गाइस और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में कुल क्षेत्रफल यहाँ पे आप देख सकते हैं 32,87,283 वर्ग किलोमीटर में पूरा जो भारत है वो फैला हुआ है। यहाँ पे आप अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मैप से, तो अगर पूरा अगर मैं बात करूँ भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो आप 63 किलो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। संसार के समस्त अगर क्षेत्रफल में मैं बात करूँ यहाँ पे, तो गाइस स्थलीय भाग का 2.4% है। क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछा जाएगा कि मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो यहाँ पे जो भारत के पास जो ज़मीन है ना वो वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड में कितना प्रतिशत ज़मीन है, तो गाइस जो पूरा वर्ल्ड का जो ज़मीन का 2.5% है, ठीक है। 2.5% भारत का पास जमीन 2.4% है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, मतलब टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड के मैं बात करूँ जितना जनसंख्या पूरा वर्ल्ड में है उसका 17.5% भारत में है सिर्फ, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भारत में संपूर्ण विश्व के कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपके ऑप्शन में होगा गाइस 17.5%, तो आप टिक लगा सकते हैं। भारत मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तक 3,214 किलोमीटर, जो कि हम पहले ही देख लिए थे, तथा पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक 2,399 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट का बात करें कि भारत के कुल क्षेत्र पर गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जा वाले क्षेत्र कितना है गाइस। गैर कानूनी के मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हो तो पाकिस्तान ये वाला पार्ट में ऑलरेडी मालूम है, तो इसने कुछ इंडिया का पार्ट का ज़मीन को कब्जा कर लिया जो कि गैर कानूनी है। और गैर कानूनी कितना पार्ट को किया था गाइस, 78,114 किलोमीटर ज़मीन को कब्जा करके रखा है पाकिस्तान। अब नौ इस ज़मीन में से कुछ पार्ट, मतलब जो पाकिस्तान जो कुछ पार्ट मतलब 78,114 किलो वर्ग किलोमीटर में 5,180 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो दे दिया किसको, तो चीन को दान में दे दिया। कौन, तो पाकिस्तान दे दिया, जो कि गैर कानूनी ढंग से दिया है। मतलब चीन को इसलिए दिया कि सर आप, मतलब उनको इसलिए दिया कि रिलेशनशिप मजबूत हो और इस ज़मीन को आप यूज कर लीजिए। तो बेसिकली गैस इतना दिया है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और चीन ने भी गैस भारत का कुछ ज़मीन कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है, 37,555 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे गैस जो कि क्षेत्र शामिल है, तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। चीन इतना कब्जा किया है और भारत पाकिस्तान इतना कब्जा किया है भारत का ज़मीन। और यहाँ पे हम बात करें गैस ये जो पार्ट आप देख रहे हैं 5,180 किलोमीटर, वो पहले इंडिया से कब्जा किया पाकिस्तान, फिर वो चीन को दान में दे दिया कुछ ज़मीन, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ हम आगे थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें गाइस। भारत सर्वाधिक पूर्वी में बात करूँ, पूर्वी मतलब होता है, हम थोड़ा सा यहाँ पहले बात कर लेते हैं, ये है इस वाले पार्ट को बोलते हैं पूर्वी वाले भाग बोलते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह कि भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो आपके ऑप्शन में होगा अरुणाचल प्रदेश। यही पश्चिमी में पूछा जाएगा, तो पश्चिमी में गुजरात है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। और उत्तर में पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश है। अब काफ़ी सारे आदमी क्या करेगा, जो लड़के स्टूडेंट हैं वो लद्दाख जाकर टिक लगा के आ जाएगा। अब रीजन क्या है गाइस, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है ना कि यूटी पूछ रहा है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। नाउ यहाँ पे मैं बात करूँ दक्षिण में तमिलनाडु है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण में तमिलनाडु है। और राज्य यहाँ पे हम और थोड़ा सा बात करें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर वाले भाग में, यहाँ पे देख सकते हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में
सर्वाधिक उत्तर वाले भागों में लद्दाख है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, तब आप लद्दाख टिक लगा सकते हैं। और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार का द्वीपों का समूह है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकते हैं। नौ, जो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखने वाले गए, कौन कौन सा मुख्य पॉइंट है, हम बेसिकली उनको चार पार्ट में बेसिकली डिवाइड हुआ है। दक्षिण पॉइंट का बात करें या दक्षिण बिंदु का बात करें, तो इंदिरा पॉइंट बेसिकली है, जो कि कहाँ पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट है। नौ, यही अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी, यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं तब। नौ, आगे हम थोड़ा सा पॉइंट को देखेंगे, इस उत्तरी बिंदु का बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के जो निकट है इंदिरा कॉल, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, तो दिमाग खोल के हमेशा पढ़िए। नौ, नेक्स्ट पॉइंट को बात करें, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु में गैस गुवाहाटी है, तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, जो कि कहाँ पे, गुजरात में, पूर्वी वाले भाग में, यहाँ पे कीवुद है, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ, थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। जो तमिलनाडु राज्य है अवस्थित है कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि में स्थित है, जो कि दक्षिणतम स्थल पे, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि कौन सी जगह पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है, तो आपके ऑप्शन में होगा कन्याकुमारी। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे इस कुछ सीमांतर वाले देश, जिनसे भारत के साथ जो कौन कौन सी बॉर्डर टच करता है, तो हम ये सारा देखने वाले हैं। और यहाँ पे गैस हम इस तरह यहाँ पे ऑलरेडी कितना किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, देश का नाम और या सीमा की लंबाई देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए गैस बांग्लादेश है। और बांग्लादेश जो मतलब मैं बात करूँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के साथ 4096.7 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो साझा करती है इन सारे राज्य के साथ। तो ये सारा पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं और इसको कई बार पढ़िएगा तो गैस अपने आप आपको याद हो जाएगा। नौ, यहाँ पे हम बात करते हैं चीन जो है 3488 किलो वर्ग किलोमीटर बेसिकली साझा करती है किसके साथ, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान का बात करें 3323 किलोमीटर की मैं बात करूँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ। नेपाल का मैं बात करूँ तो 1751 किलोमीटर की मैं बात करूँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर गए देख सकते हैं म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और कुल कितना करता है, तो ये चीज़ को भी याद रख सकते हैं, 15106.7 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार के साथ। और यहीं पर भूटान की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारा बात को आपको किसी भी कीमत में गैस याद रखना है, क्वेश्चन अक्सर आता है यहाँ से। नौ, आगे हम यहाँ पे बात करें, जब हम यहाँ पे टेस्ट वगैरह लेते हैं तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम नहीं डालते, जरूर डालते हैं, और ये एक बार नहीं कई तरह, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना होता है, आप लोग के साथ एक साल चलना होता है, तो हम सारा क्वेश्चन को बार बार ताकि आप लोग को टेस्ट में पूछ सके ताकि आपको याद हो सके। भारत यहाँ पे बात करें सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि पश्चिमी में जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य, और जबकि मैं बात करूँ भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ करती है। तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, सीधा सीधा वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नौ, थोड़ा सा हम एक बात को और हाईलाइट करें कि यहाँ पे गैस देख सकते हैं लद्दाख है, और लद्दाख बेसिकली किस किस देश के साथ, यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन के साथ शेयर करती है अपना बॉर्डर, और उत्तराखंड जो खंड है वो चीन और नेपाल के साथ करती है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान के साथ करते हैं, सिक्किम नेपाल चीन भूटान के साथ शेयर करती है, असम बांग्लादेश भूटान के साथ करते हैं, अरुणाचल प्रदेश चीन म्यांमार भूटान के साथ करते हैं, मिजोरम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो ये सारा फैक्ट बात मैं मेंशन करके रखा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपको मैप अगर आपके पास होगा तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। गैस अगर आप चाहते हैं कि डेली हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट मतलब टेस्ट के रूप में चाहते हैं कि नहीं इस सारा क्वेश्चन को हम करें, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं गैस, और आप लोग के लिए गैस 500 है, जिसमें आपका करेंट अफेयर भी इंक्लूड होता है और एक साल के लिए वैलिड होता है। GS GK का जितना भी पार्ट होता है गैस विद करेंट अफेयर आपका सारा कवर कराया जाता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मन ला के पूरे अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे गैस।